गूगल जल्द ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन एंड्रॉयड 12 जारी करने वाला है। इसमें ढेर सारे नए फीचर्स होंगे जिनकी फिलहाल टेस्टिंग की जा रही है। एंड्रॉयड 12 के जरिए आपको फ़ोन के गूगल असिस्टेंट को भी अपडेट किया जा रहा है। इस नए फीचर के जरिए आप बोलकर भी अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर पाएंगे। इस नए फीचर्स को टेक वेबसाइट 925 गूगल ने स्पॉट किया है। तो आइए गूगल के इस नए अपडेट के बारे में और विस्तार से जानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करने का तरीका भी बदलने जा रहा है। वर्तमान समय में गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए हे गूगल या ओके गूगल बोलना पड़ता है या फिर होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ता है। जबकि गूगल के इस नए अपडेट के साथ स्मार्टफोन के पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने पर भी गूगल असिस्टेंट एक्टिव हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर पावर बटन लॉन्ग प्रेस करने से गूगल असिस्टेंट एक्टिव होगा तो फ़ोन को स्विच ऑफ कैसे किया जाएगा। 925 गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स के पास फ़ोन को स्विच ऑफ करने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका, यूजर्स पावर बटन और वॉल्यूम ऑफ बटन को एक साथ दबा कर रखेंगे जिससे उन्हें स्विच ऑफ या रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा वे गूगल असिस्टेंट को भी पावर ऑफ का कमांड दे सकते हैं, यानी आप गूगल असिस्टेंट को ओपन करेंगे उसके बाद उसे मोबाइल को स्विच ऑफ करने को कहेंगे तो इससे भी मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। फिलहाल एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर अगर आप गूगल असिस्टेंट को फ़ोन बंद करने के लिए कहेंगे तो यह आपको मैन्युअली फ़ोन बंद करने के तरीके के बारे में बताएगा। यहाँ हम आपको बता दें, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि पावर ऑफ फ़ोन कहने से आपका फ़ोन तुरंत बंद हो जाएगा या फिर इसे मैन्युअली करने के लिए पावर मेनू खुल जाएगा। साथ ही यह अभी तक नहीं ज्ञात है कि इस फीचर एंड्रॉयड 2 वाले सभी स्मार्टफोन पर आएगा या सिर्फ पिक्सल डिवाइस के लिए एक्सक्लूसिव होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव और सलाह है तो कमेंट जरूर कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही रोचक और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाने के लिए सनस्टार हॉटलाइन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो में।